हाय गाइज, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज मेरे पास एक सैमसंग 1200 का फ़ोन है। तो इसके अंदर आपको फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आता है, कोई दो तीन प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। मॉडल नंबर दोस्तों सैमसंग 1200 बेसिक फ़ोन है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फ़ोन के अंदर अगर आप माइक की प्रॉब्लम आता है, चार्जिंग प्रॉब्लम आता है, पावर ऑन प्रॉब्लम होता है, डेड की प्रॉब्लम आता है, कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल डायग्राम के साथ बताऊंगा। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करो, आपको नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है हमारे पास एक सैमसंग 1200 फ़ोन का मदरबोर्ड का फ़ोटो ले रखा है मैंने। इसके अंदर आपको नो सर्विस का प्रॉब्लम आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का कैपेसिटर है, मतलब सॉरी क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल के ऊपर सॉल्डरिंग पेस्ट करके ब्लोअर गन से इसको हीट करना है 10 से 15 सेकंड तक। अगर आप इसको हीट करके उसके बाद आपको सिम कार्ड लगा के चेक करना है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो मतलब नेटवर्क आया तो ओके, अगर नेटवर्क नहीं आया तो इसको दूसरे हैंडसेट से रिमूव करना है एक क्रिस्टल को। क्रिस्टल को रिमूव करके इसको यहाँ पर रिप्लेस करना है, आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा है हमारा, मैं आपको बताऊँगा अगर आपके फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक टार्च ऑन हो जाता है, इंसर्ट सिम दिखाता है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे चार कैपेसिटर है, तो उस चार कैपेसिटर में कोई भी एक कैपेसिटर काम नहीं करता, मतलब कैपेसिटर डैमेज हो गया तो आपको फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक टार्च ऑन होता है और इंसर्ट सिम का दिखाता है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको कोई भी कैपेसिटर सेट है उसको रिमूव करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, मैं आपको दिखाऊंगा अगर आपके फ़ोन के अंदर रिंगर काम नहीं करता है, अगर आप पूरा चेक करने के बाद भी मतलब रिंगर आईसी के ऊपर जो जम्पर करने के बाद भी अगर आप फ़ोन रिंगर काम नहीं करता है तो इस आईसी को रिप्लेस करना पड़ेगा, कोई भी एक ओल्ड मदरबोर्ड से निकल के यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अगर आप फ़ोन के अंदर चार्ज लगाने के बाद फ़ोन ऑन होता है और चार्ज निकालने के बाद ऑटोमेटिक बंद होता है तो यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर करना पड़ेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो बस इतना ही, होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।